इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंगलोर के अंदर मेट्रो रूट्स कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, या आपको इजी प्रोसेस कैसे होगा मेट्रो को चेंज करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप न्यू जाते हैं बेंगलोर के अंदर, तो उसमें यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं मेट्रो के अंदर सफ़र करने की। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम आती है कि उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखिए, यहाँ पर बेसिकली बेंगलोर के अंदर दो लाइनें होती हैं, एक तो यहाँ पर पर्पल लाइन होती है और एक ग्रीन लाइन होती है। तो आपको इन दोनों ही मिलेंगी। अब जैसे डेली हुआ, डेली के अंदर बहुत सारी जो है लाइनें रहती है, लेकिन आपको बेंगलोर के अंदर नहीं मिलेगी। सिर्फ न्यू जो होगा यहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर इस वीडियो को देखते हैं आप तो उसकी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब इस प्रोसेस को अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर ऑफिशियल एप्लीकेशन भी रहती है यहाँ पर बेंगलोर की मेट्रो की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पेटीएम से बताऊँगा, क्योंकि पेटीएम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे आप पेटीएम के होम पेज पर जाते हैं, यहाँ पर ट्रेन के सेक्शन पर चले जाइए, ट्रेन टिकट पर, तो उस पर ही आपको मेट्रो मिल जाएगी सबसे कोने पर। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद यहाँ पर आपका जो है चेंज पर क्लिक करके आप बेंगलुरु मेट्रो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपना, जहाँ से आप स्टेशन पर से बैठ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, यहाँ पर दो लाइनें पड़ती हैं सिर्फ। अब जैसे यहाँ से हम किसी भी स्टेशन पर से बैठते हैं, ग्रीन जगह पर से बैठते हैं, और यहाँ पर आपको सारे नाम मिल जाते हैं, जेपी नगर वगैरह हर जगह के मिल जाते हैं। जैसे हम जेपी नगर से बैठ रहे हैं मेट्रो में, और यहाँ पर हमें जाना है, और यहाँ पर किसी भी स्टेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, अब हमें रूट चेक करने हैं, तो सर्च पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो बीच में जो है यहाँ पर हमारे 12 स्टेशंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूट एक भी हमें चेंज नहीं करना, जहाँ से हमें बैठना है बस उसी रूट की लाइन पर हमें चलना है, यानी कि ग्रीन लाइन पर चलना है। बट लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब आपको बताता हूँ। जब आपको रूट चेंज करना होता है तो आपको पता नहीं रहता कहाँ से रूट चेंज करें हम, तो इसमें यहाँ पर आप जो है जब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से पर्पल लाइन के किसी भी स्टेशन पर चलते हैं हम। जैसे अब यहाँ पर सर्च करते हैं, तो अब जैसे उधर से हम वापसी आ रहे हैं, तो यहाँ पर पर्पल लाइन में स्टेशन पड़ गया। लेकिन आपको चेंज कहाँ से करना पड़ेगा यहाँ पर उसका, यहाँ पर वो बता देगा, ठीक है। यहाँ पर पर्पल लाइन और यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, रूट चेंज करना पड़ेगा दूसरा, और ग्रीन लाइन पर जाना होगा। यहाँ पर रूट सिर्फ एक है, स्टेशन पूरे 11 पड़ेंगे बीच में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली, अगर आप न्यू भी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जहाँ से जहाँ तक सिर्फ बैठना है उसका इस निशान लगाइए, और बीच में जो जो स्टेशन पड़ेंगे वो आपको पता चल जाएंगे, जोन जोन से रूट्स पड़ेंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे बेंगलोर के अंदर। क्योंकि रूट्स से ही थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं कि कहाँ से उतरे, कहाँ से बैठे। वैसे तो यहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई लोग समझ नहीं पाता किसी की लैंग्वेज। तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो गई होंगी, कि मेट्रो रिलेटेड आपका जो आपको चेंज करने में इशू आते हैं। तो अगर अब यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care.